नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर अभी तक आप लोगों ने 100% लाभुकों को ऐड नहीं किया है, उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक फिर से ICDS विभाग का नया पत्र जारी किया गया है। और उस पत्र में ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों को जल्द से जल्द ऐड नहीं कर लेते हैं तो आपको पोषाहार की राशि कम होकर आएगी, यानी कट के आएगी। तो उसी के संबंध में आज का ये लेटर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2/7/2021 का लेटर जारी हुआ है, यानी कल ही लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर है, लेटर का संचिका संख्या है 3220। तो ये ICDS विभाग बिहार की तरफ से लेटर जारी किया गया है। सहायक निदेशक ICDS बिहार पटना, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार। तो ये बिहार में ही बार बार क्यों ICDS का लेटर आ रहा है कि आप लोग पोषण ट्रैकर में जल्द से जल्द एंट्री कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपना पोषण ट्रैकर ऐप पे 100% लाभुकों को नहीं जोड़ा है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसमें जो भी जानकारी है उसको पूरा देखें। तो इस लेटर का विषय है पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभुक को जोड़ने के संबंध में। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर जो लाभुक हैं उनको 100% आपको जोड़ लेना है, उसी के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक, ये जो पत्रांक दिया गया है ये टाइम टू टाइम रिलीज करके आपको निर्देश किया गया था कि आप लोगों को जो काम दिया जा रहा है वो टाइम से आप लोग पूरा कर लीजिए। तो प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को जोड़ते हुए सेवाएं प्रदान की जानी है। तो जो भी आपके क्षेत्र के लाभुक हैं उन सभी लाभुकों को जोड़ लेना है। विदित हो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड किए गए लाभुकों यथा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 3 एवं 3 से 6 साल के बच्चे, किशोरावस्था वाले लड़के लड़कियां एवं अनाथ बच्चों की विवरणी के अनुसार ही भारत सरकार से SNP पूरक पोषाहार एवं आंगनबाड़ी सेवाएँ हेतु राशि प्राप्त होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने जितने भी लाभुक को अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ऐड किया है उसी के अनुसार आपको पोषाहार की राशि, यानी कि जो आंगनबाड़ी सेवाएं हैं उनकी राशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्षेत्र में जितने भी लाभुक हैं आप उन सभी को जल्द से जल्द अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ऐड कर लें। इस क्रम में आप सभी को पूर्व में बार बार निर्देशित किया गया है कि 31/5/2021 तक 100% लाभुकों के विवरणी अपलोड करा लें। तो डेट दिया गया था उस दिन तक आप सभी को डाटा अपलोड करा देना था, लेकिन आप सभी लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे जो ICDS का पत्र है वो जारी किया गया है। और इसके बाद ये लास्ट चांस है आपको अपने पोषण ट्रैकर ऐप के जितने भी लाभुक हैं उसको यहाँ पर जोड़ लेना है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि लाभुकों एवं आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित डाटा की 100% अपलोडिंग अविलंब सुनिश्चित किया जाए एवं इसे आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय के ईमेल ID पर दिनांक 10 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराया जाए, इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो आंगनबाड़ी एवं सेवाओं से संबंधित डाटा है उसको 10 जुलाई 2021 तक उपलब्ध करा दिया जाए, यानी कि जो इनका ईमेल ID है उनके ईमेल ID पर 10 जुलाई 2021 तक ये सारी डाटा अपलोड करा दी जाएंगी। उससे पहले आप सभी लोग जो लाभुक को एंट्री नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द कर लें। तो बस आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।